दिस एन आई सी आर। तो आज मैं एक और बहुत ही अंडररेटेड कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है संदीप यूनिवर्सिटी। इसके यार दो कैंपस अवेलेबल है, एक नासिक महाराष्ट्र में और एक मधुबनी बिहार में। इसके और यार बिहार के लिए एक बहुत अच्छी कॉलेज मतलब है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा कॉलेज है ही नहीं, बट ये है तो एक बहुत अच्छा कॉलेज भी है बिहार के लिए। उसके बाद करें इसकी कैंपस की यार, तो 250 एकर्स में, जो कि बहुत बड़ी है यार। फैसिलिटीज़ की बात करें यार, तो एम्फी थिएटर है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज है, क्लासरूम्स है, हॉस्टल है, हॉस्टल मतलब इन विद इन द कॉलेज है, जिम, सब कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, जो कि बहुत अच्छी है यार। उसके बाद बात करें प्लेग्राउंड्स, तो सब सारे मतलब आपको सारे गेम्स के लिए आपको प्लेग्राउंड्स अलग अलग मिल जाएगी। जैसे बैडमिंटन के लिए कोर्ट्स मिल जाएगी, बास्केटबॉल कोर्ट्स भी है, उसके बाद फुटबॉल के लिए अलग ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए अलग ग्राउंड है, क्योंकि यार इतनी बड़ी कॉलेज मतलब इतनी बड़ी कैंपस है, तो सब कुछ अच्छे से बनाया हुआ है। उसके बाद करें यार, इसके यहाँ पे सोलर पावर सिस्टम्स भी है, तो कनेक्शंस वगैरह के टेंशन नहीं रहेगा। एम्बुलेंस भी अवेलेबल है यहाँ पे एक इमरजेंसी में। फेस्ट की बात करें यार, तो यहाँ पर अप्रैल सन हैक्स होता है, उसके बाद अप्रैल अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस भी होता है, यहाँ पे द नासिक फैशन शो भी होता है, अप्रैल इनसाइट 2024 नेशनल लेवल टेक फेस्ट भी हुआ था। मतलब बहुत यहाँ पे आपको इतनी बड़ी कैंपस है, तो मतलब खुलने के लिए, एक्सपोज होने के लिए बहुत मौका मिलेगा आपको। रैंकिंग की बात करें यार, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र है एंड बिहार में भी। उसके बाद कोर्सेज की बात करें, यहाँ पे बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बीसीए, एमसीए सब कुछ मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे मैं बीटेक का बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांचेज मिल जाएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक मिल रहा है, मतलब समझ सकते हो सारा, सीएससी, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और आईटी, एआई सब तो मिलेगा ही। उसके बाद फीस की बात करें यार, तो महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र कैंपस में आप ले रहे हो तो एट एलपीए 4 ईयर्स का, और बिहार कैंपस में ले रहे हो तो 5 to 5.6 एलपीए का, मतलब ये 4 ईयर्स का इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस सब। 8 लाख लगेगा अगर आप महाराष्ट्र से ले रहे हो, और 6 लाख लगभग बिहार से ले रहे हो, ये इंक्लूडिंग ट्यूशन फी एंड क्या बोलते हैं हॉस्टल फीस सब कुछ है। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करें यार, तो हाईएस्ट यहाँ पे 1.12 करोड़ का गया था, जो कि इंटरनेशनल पैकेज थी महाराष्ट्र कैंपस से, और 28 एलपीए का डोमेस्टिक पैकेज था हाईएस्ट में। एवरेज बात करें यार, तो 5 to 4 एलपीए का गया था जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर यार प्लेसमेंट रेट 79 to 95% तक है, मतलब अच्छा खासा है यार, क्योंकि अभी थोड़ा पुराना नया है, तो थोड़ा सा वो प्लेसमेंट रेट में दिक्कत नहीं, ठीक डिसेंट है, बट ये इंप्रूव होगा ही। और कंपनीज की बात करें यार, तो यहाँ पे अमेजन आती है, इन्फोसिस आती है, टीसीएस, विप्रो, फिर यहाँ पे बजाज, कोटक, एक्सेट्रा, मतलब समझ रहे हो सब मतलब ब्रांडेड कंपनीज और जो वेल नोन है वो आ रहे हैं, तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही है और होगी यार, यहाँ पे प्लेसमेंट आपको अच्छा मिलेगा, समझ रहे हो। 1.12 का सीआर का इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे आई थी, तो ऑफकोर्स। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, जेई मेन, एमएसटी, सीईटी से महाराष्ट्र का है, तो ऑफकोर्स। उसके बाद एसयूजेईई से भी कर सकते कंडक्टेड, जो कि यूनिवर्सिटी ही करवाता है। और उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो हम नीचे में एक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप एक गूगल फॉर्म फिल करना, वहाँ से आप हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी एडमिशन तक। उसके बाद अगर कुछ क्वायरी हो, तो वहाँ पे 4 कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर उसके बाद आप जो नहीं हुआ उस क्वायरी सॉल्व, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ वहाँ पे फिल कर सकते हो, हमारी टीम श्योर आपको हेल्प करेगी। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉलेज रिव्यू के साथ।